हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो है स्पेशली आपके गाड़ी के एसी के ऊपर। इससे पहले मैंने आपको कई सारी वीडियोस में बताया कि एसी को मेंटेन कैसे करना है, एसी का परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए क्या क्या टिप्स हैं वो मैंने आपको पहले भी दी हैं, और कैसे कैसे उसको मेंटेन कर सकते हैं वो भी बताया आपको। लेकिन इसका परफॉर्मेंस डिपेंड करता है यूज करने के तरीके पे, यानी आप उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो इस्तेमाल करने के कुछ छोटे से टिप दूंगा मैं आपको, जिससे आपको इम्प्रूवमेंट भी मिलेगा आपके एसी में और आपकी गाड़ी का माइलेज भी इंप्रूव होगा। प्लस एक पॉइंट्स और है इसमें, वो दूसरा पॉइंट क्या है कि आपकी गाड़ी अगर 10 मिनट में ठंडी होती थी तो वो 5 मिनट में ठंडी होगी। कई बार आपने देखा गाड़ी आपकी खड़ी रहती है, सनलाइट में खड़ी है, आउटडोर में खड़ी है, आप जब उसको स्टार्ट करके चलते हैं तो काफी देर लग जाती है गाड़ी को ठंडा होने में, क्योंकि ऑलरेडी अंदर का टेम्परेचर इतना इंक्रीज हो जाता है कि कंप्रेसर को ज्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं उस जगह पे। तो सीधे पॉइंट पे आते हैं कि आपको करना क्या है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है। सबसे पहली चीज आप ये याद रखिए कि जब भी गाड़ी को आप कहीं आउटडोर में पार्क करते हैं, और मोस्ट केसेस में मैंने यही देखा है कि होता है कि गाड़ी का माइलेज जब ड्रॉप होता है वो लोकल में ड्रॉप होता है। आप कहीं गए, वहां आपने गाड़ी खड़ी की, आपको आधे घंटे का काम है, आप थोड़ी देर आपने गाड़ी खड़ी की, फिर दोबारा आप गाड़ी में आए, स्टार्ट किया आपने, फिर आप चले। और इसके जगह अगर आप लॉन्ग ट्रिप पे चले तो देखेंगे कि एसी से इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता माइलेज पे, लेकिन लोकल में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जब भी गाड़ी आपकी खड़ी करनी है आउटडोर में, सनलाइट में खड़ी है, आप जब आएंगे तो डायरेक्टली आपको गाड़ी स्टार्ट नहीं करनी। आप आए, आपने गाड़ी स्टार्ट की, एसी चलाया और चल दिए, ये तरीका बिल्कुल गलत है। आपको क्या करना है, पहले आइए, डोर को खोलिए, डोर खोलने के बाद एक साइड का विंडो आप डाउन कर दीजिए, यानी कि एक साइड का ग्लास, जैसे मैंने इस तरफ का ये डाउन कर दिया, फुल डाउन कर दिया। अब आपको क्या करना है, एक डोर आपको ओपन करना है। सपोज मैंने विंडो डाउन करने के बाद आपको पीछे वाला दरवाजा ये है, इसको ऐसे दबा के रखिए और इससे ऐसे 2, 3, 4, 5 5 से 7 बार या जितनी बार भी चाहे इस तरह से इसको कीजिए। अब इससे क्या होगा कि अंदर जितनी भी एयर थी, जो कि ऑलरेडी जिसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ था, वो एयर इस खुली हुई विंडो से बाहर चली जाएगी, और जो फ्रेश एयर जो बाहर की थी वो इसके अंदर आ जाएगी। अब इससे टेम्परेचर तो गाड़ी का थोड़ा सा डाउन हो गए। अब इसके बाद जब आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, गाड़ी को स्टार्ट कीजिए, ब्लोअर को सिर्फ ऑन कीजिए, सिर्फ ब्लोअर ऑन कीजिए। ब्लोअर चलने के बाद जब आप गाड़ी चलाएंगे, कंप्रेसर ऑन किया आपने, एसी ऑन कर दिया, एसी चल गया, विंडोज को थोड़ा थोड़ा डाउन रखिए, यानी कि जो विंडोज हैं ये जो मैंने क्लोज की, इसके बाद ये तो क्लोज करनी है हमको क्योंकि एसी चला रहे हैं, ऐसे क्लोज की, लेकिन इतना इतना इसको मैंने डाउन रखा दोनों तरफ से। अब क्या होगा कि ये दोनों साइड से जो ये डाउन है, थोड़ा सा वेंटिलेशन इसमें और बनेगा, जो एयर थी पहले की और ज्यादा वो अच्छे से फ्रेश हो जाएगी। इसको रखना है आपको 20 से 25 सेकंड, या जरूरत पड़े तो 1 मिनट तक रख लेंगे तब भी कोई इतना फर्क नहीं है। वैसे 20-25 सेकंड रखते हैं इतना, और उसके बाद फिर इसको फुल कवर कर लीजिए और अपना एसी चलने दीजिए। अब आप देखेंगे कि आपका एसी पहले के मुकाबले जल्दी ठंडा कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको इतने एफर्ट नहीं करने पड़े जितना एफर्ट उसको पहले करना पड़ रहा था, क्योंकि पहले जो था अंदर का टेम्परेचर इंक्रीज था, पहले जो गर्म हवा थी उसको ठंडा करने के लिए उसको बहुत ज्यादा टाइम लगता, कंप्रेसर को बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ता, ज्यादा देर तक ऑन रखना पड़ता। याद रखिए कि आपका माइलेज डाउन कब होता है, जब ज्यादा टाइम तक कंप्रेसर आपका ऑन रह रहा है, इससे वो टाइम आपका रिड्यूस होगा। अगर आप मान लीजिए अगर 10 जगह कहीं ऐसी जगह रुकते हैं तो वो 10 बार उसको उतनी मेहनत करनी पड़ती है एयर को ठंडा करने की। अब इससे क्या होगा कि आपकी गाड़ी का परफॉर्मेंस तो अच्छा होगा ही, साथ में आपका माइलेज बढ़ेगा गाड़ी का, लोकल में चलने वाला माइलेज। कई बार आपने सुना होगा कि लोकल में गाड़ी का माइलेज कभी भी कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है कि 8 का एवरेज आ जाए, हो सकता है 10 का आ जाए, हो सकता है 15 का आ जाए। तो लोकल में इसीलिए कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये डिपेंड करता है हमारे यूज करने के तरीके पे। कई लोग ऐसे होते हैं जो लोकल में भी माइलेज बहुत अच्छा निकाल लेते हैं, और कई लोग चलाते हैं तो लोकल में माइलेज बिल्कुल ड्रॉप हो जाता है और हाईवे पे उनका माइलेज अच्छा आता है। और इसके साथ ही आपको क्या करना है, आपकी अपनी गाड़ी का इंटीरियर क्लीन रखना है, खास कर पे आपकी मैट्स जो है, ये नीचे की जो मैट्स हैं, फुट मैट, इन मैट्स को आपको साफ रखना है। कई बार हम लोग इस पे ध्यान नहीं देते और इसको चलने देते हैं गाड़ी पे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि इससे हमको ऐसा लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो नीचे है, लेकिन नहीं, ये नीचे की जो डस्ट है, ये सारी डस्ट घूम के आपके ब्लोअर फैन जो उसको सक करेगा और सीधे कूलिंग कॉइल पे पहुंचाएगा, कूलिंग कॉइल इससे जल्दी गंदी होगी और परफॉर्मेंस भी आपका डाउन होगा। तो इसको नीट एंड क्लीन बिल्कुल साफ रखिए। आपकी ये फुट मैट्स जितनी साफ रहेंगी, आपकी कूलिंग कॉइल भी उतनी साफ रहेगी। क्यों? उतनी डस्ट वहां तक पहुंच नहीं पाएगी, कूलिंग कॉइल साफ रहेगी,
आपका कंडेंसर क्लियर रहेगा। और जैसे मैंने बताया, डायरेक्ट आप सनलाइट में खड़ी करते हैं तो इस तरह से पहले यूज करेंगे अगर एसी को, तो यकीनन आपका जो परफॉर्मेंस है एसी का बढ़ेगा। जो 10 मिनट में गाड़ी ठंडी करता था वो 5 मिनट में ठंडी करेगा, माइलेज भी इंप्रूव होगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। हाँ, कोई इसके अलावा भी क्वेश्चन अगर आपका एसी से रिलेटेड है तो इस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और साथ ही प्लेलिस्ट इसके ऊपर आ रही होगी, वहां से एसी के प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं कि एसी से रिलेटेड कौन कौन से आपके क्वेश्चंस हैं। हो सकता है कि उस वीडियोस से आपके वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, और फिर भी अगर कुछ रहता है आपको कि कुछ नहीं मिलता, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पे भी डीएम कर सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।